ये छोटे छोटे अंबर, इनकी छोटी छोटी चाल, मीठी मीठी बातों से ये चलते सीधी चाल। ये छोटे छोटे अंबर, इनकी छोटी छोटी चाल, मीठी मीठी बातों से ये चलते भोले चाल। दुनिया से इनका मेल नहीं है, क्या है जो वो खेल नहीं है। ओ, दुनिया से इनका मेल नहीं है, क्या है जो वो खेल नहीं है। दमा चौकड़ी धींगा मस्ती, किताबों से करते कुश्ती, बारिश हो या गर्मी सर्दी, रात मंद हो या बेदर्दी, हर मौसम पर देते ताल। ये छोटे छोटे अंबर, इनकी छोटी छोटी चाल, मीठी मीठी बातों से ये चलते भोले चाल। अरे रात कमाई सोए के, दिन कमायो खाए। अरे तुम रात भर भूत के साथ फाइटिंग कर रहे थे क्या है? नहीं सर, हम तो पहाड़। चुप! ए गणेशी, तुम बोलो। कन्हैया जन्म भर का नींद सो रहा है सर। चुप! भाई ए कन्हैया, कम है। नाउ दिस इज द टाइम टू गिव यू प्रसाद। अब समय आ गया है कि मैं तुमको प्रसाद दूं, है ना? जाओ जाओ और अपने लिए दो तीन कड़क करछी तोड़ कर ले आओ। जाओ जाओ। ओ पीठ पहाड़ा, सात एकम सात, सात दूनी चौदह, सात त्रिके इक्कीस, सात चौके अट्ठाईस, सात पंचे पैंतीस, सात छक्के बयालीस, सात सत्ते पोजीशन। कन्हैया पोजीशन। जो हमरे हाथ से प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा वो वीडियो नहीं बनेगा। गुरु की सेवा परम सेवा, गुरु का प्रसाद तीन लोग का प्रताप।
अब आज ये विद्यार्थी चला है अफसर बनने की राह पर और हम चले हैं कन्हैया को कस के सेकने। कस के लगा का पतला करची काहे नहीं लाए थे? बॉम्ब सर को देखते ही पेशाब लग जाता है। ये मेरा प्रसाद था कन्हैया, अब तुम अफसर बन के रहोगे। वीडियो कन्हैया, डीएम कन्हैया, 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 वीडियो कन्हैया, डीएम कन्हैया। अरे कुमार, उठ जा, भगवान ने मुझे मेरी बेटी छीन ली। रवा, भगवान ने तेरी जगह मुझे क्यों नहीं उठा लिया? अरे रवा बिटिया, रवा हो गया, रवा बच्ची, तुम हमको छोड़ के काहे चली गई? हमको छोड़ के चली गई? चार साल पहले बड़ी बेटी और अब ये रामा, क्या जुल्म है, क्या कर लिया बेटी? अरे धीरे फेंकना। इले देखो कन्हैया गुड़ लेके आ रहा है। नहीं आ गया, ये पकड़। लाया गुड़? इतना सारा गुड़ मैं अकेले खाऊंगा, तुम दोनों को भी नहीं दूंगा। का हो गया था? हाँ सब ऐसे दौड़ रहे थे जैसे हमारे गांव में बाढ़ आ गया। कुछ बोलते नहीं हो कन्हैया? तुमको बॉम सर ने धर लिया था क्या? का हुआ कन्हैया, सचमुच कुछ हुआ का? बेत्रा नहीं रही, चली गई रामा दीदी तुम्हारी परी दीदी के पास। बच्चियां दूर कॉलेज में जब पढ़ती थी तब सब ठीक था, लेकिन जब से वो बेलूर कॉलेज में जाने लगी तभी से ये सब हो रहा है। अरे हम अपने बच्चियों का भविष्य सुधारने के लिए कॉलेज में भेजते हैं और हमारी रामा, जब वर्तमान में हमारी बच्चियों की इज्जत ही नहीं रहेगी तो उनको कॉलेज में पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य बनाने का मतलब क्या है? तो पुलिस में रपट लिखाते, बादल भैया हमारी रमा को इंसाफ दिलाइए। पुलिस प्रशासन कुछ करती ही नहीं है, पैसे खाने के अलावा कुछ नहीं करती। देखो भाइयों, हमको कुछ और सोचना होगा, यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। रामा के साथ अच्छा नहीं हुआ, अब थारूपुर पर संकट का ग्रहण लग गया है, बच्चियों का रक्षा करना पड़ेगा। बच्चियां सबसे सुरक्षित अपने घर में होती है। हाँ कहे थे कि कॉलेज में हूँ, मुंह काला कराने जाती है। मोहन तुम अपनी जबान पे लगाम दो, नहीं तो मोहन तुम बोलते बोलते बहुत बेलगाम हो जाते हो। मोहन जी को चुप कराने से कुछ नहीं होगा, सत्य और तथ्य नहीं बदल जाएंगे। अरे भाइयों आपस में उलझने से कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, हम लोग एक रहेंगे तो मिलके चोट सह भी सकेंगे। तुम लोग कुछ सोचो, हम भी कुछ उपाय सोचते हैं। ये धारूपुर गांव के मान सम्मान का प्रश्न है।
बाबा फिर से खोल कर देखेंगे का? कन्हैया ये लो, इसे ले जाकर पोस्ट ऑफिस में ठीक से डालना, गिराना नहीं। बाबा मुझे इस बार पैसे ज्यादा दीजिएगा, मुझे मेला घूमना है, चाट खानी है, वहाँ पर खिलौने भी खरीदने, स्टूडियो में फोटो भी खिंचाना है, बहुत काम है। मेला? हाँ पापा मेला, दुर्गा पूजा आ रही है ना। पता है मेरे नए कपड़े भी सिलने गए हैं जुम्मन चाचा के पास। बाबा आप ये सब छोड़िए, आप पैसे निकालिए। पैसे? ये लो एक रुपया। ई का एक रुपया? हाँ तुम एक ही रुपया तो बोले थे ना। अरे डाक बाबू को देते तो मुफ्त में काम हो जाता हमारा। लेकिन हम तो स्पीड पोस्ट है ना बाबा। पोस्ट ऑफिस में गिराने के दाम 2 रुपया, पहले का 5 रुपया और अभी टोटल 7 रुपया। चलिए निकालिए। बेटा अभी इसी से काम चला लो, बाद में 5 रुपया हम और दे देंगे, ठीक? हमारे 7 रुपए से पक्का मकान बनाएंगे का। हर बार चीची करते हैं आप, पैसे बजा के कहाँ ले जाएंगे? ऊपर? चलिए जल्दी से निकालिए 5 रुपए। बेटा अगर हम मर भी गए ना तो हमारा बकाया का पैसा भगवान जी तुम्हें दे देंगे, ठीक है? कहाँ, पोस्ट ऑफिस में बुला के। एक रुपया और। हर बार बकाया बढ़ता जाता है आपका। अगली बार हम आपको डबल चार्ज करेंगे। अच्छा बाबा एक बात पूछूं, धारोपुर और सभी गांव की दीदी मर क्यों रही है? कोई बहुत गहरी बात है बेटा, इस समस्या का समाधान भी होगा। सही रास्ता दिखाएंगी दुर्गा मैया। एक दिन महान आदमी बनोगे तो नहीं है? तो सर महान आदमी के पास बहुत पैसा होता है ना? महान आदमी को कुछ नहीं चाहिए होता है। पर हमको चाहिए, परीक्षा नजदीक आ रहा है, आपकी सेवा में पढ़ाई भी तो। तुम हमारे तेल घी का इंतजाम करते रहो, परीक्षा में फर्स्ट आओगे तुम। लेकिन सर आप तो भूल जाते हैं। दिमाग की याददाश्त को तेज रखता है घी। निकल गया सर। क्या किसका? हवा सर आपकी साइकिल का। इतनी
इतनी धूप में आपकी चप्पल गिर जाएगी, आपकी साइकिल में हवा भरवा दे हम। आ जाओगे गणेशी कि साइकिल लेने हमको तुम्हारे घर आना होगा पिछली बार की तरह। कौआ सर, हम गणेश नहीं कन्हैया है, आप फिर से भूल गए। हमको फाइनल परीक्षा में आप सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे देंगे? तुम्हारे घी से याददाश्त तेज रहता है। अच्छा सुनो बाबू, हवा भरवाई लो, लेकिन खुदरे पैसे तो है नहीं हमारे पास। रहने दीजिए सर, हम कभी आपसे पैसे लिए हैं जो आप लेंगे, और हम बाबू नहीं कन्हैया है सर। कितना प्यारा नाम है कन्हैया। ले जाओ। देखो ठीक से जाना। दादा बहुत अच्छा है, है ना? देखिए ये बदमाश स्कूल न जाकर दिन भर आवारा गर्दी करता है, हैं? आज चाट की दुकान पर खड़ा होकर चाट खा रहा है, बताइए हैं? कन्हैया कभी भी डीएम एसपी नहीं बन पाएगा। हाँ अब इसको प्रसाद हम दें या आप लोग देंगे बताइए? लगता है तुम्हें फतेहपुर की सुग्गा मौसी के पास भेजना ही पड़ेगा, वो रगड़ेंगी ना तब पता चलेगा। बंदर कहीं का, हमारा घड़ी नहीं मिल रहा है, वो भी तो नहीं बेच दिया चाट खाने के लिए। भाषा साहिब, इसका धोखा ही गाय नहीं करते। अरे मार खा खा कर लतखोर हो गया ये। अरे इसका नाम स्कूल से कटा कर ये गाय भैंस का चरवाही करवाइए, ये बीडियो नहीं बनेंगे चरवाहा बनेंगे। आपका नाम तो ये डुबो देगा सरपंच जी, लीजिए संभालिए इनको। अरे मास्टर साहब, अरे चाय भाई छोड़िए। इधर आप, मैं बताता हूँ तुझे। बाबूजी छोड़िए, हम समझाते हैं इसे, चलो अंदर। नालायक का मीना, आ बेटा सब्जी ले जा अंदर और एक कप चाय बना दो। अच्छा जा। एक कन्हैया आओ आओ आओ, आज स्कूल ले गए तुम? हाँ स्कूल। बैठो, दिन भर खेलते रहते हो, पढ़ना लिखना कुछ नहीं। अरे लाए दीजिए हमको। हाँ लो, लेकिन ठीक से डालना गिराना नहीं। हाँ और पैसे? पैसे तो राम 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 डाक बाबू, आज हमारी कोई चिट्ठी उठी नहीं आई का? आपकी कोई चिट्ठी नहीं है। अरे बाबा पैसे तो दीजिए। पैसा? दुनिया की सारी चीज तुम भूल जाते हो, लेकिन पैसा नहीं भूलते हैं। लो लो जा। कन्हैया ये बताओ बेटा, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? बाबा भलाई का तो जमाना ही नहीं है, अब स्कूल जाके क्या करेंगे, मन ही नहीं लगता वहाँ। क्यों? बोम सर हम लोगों को पुश मारते हैं, और स्कूल में पढ़ना पड़ता है इंग्लिश। बाबा हम एक दिन ना इंग्लिश को जान से मार देंगे। बाबा हम अपनी मरी माँ को जितना याद नहीं करते हैं, उससे ज्यादा हम इंग्लिश को याद करते हैं, जो चोर पुलिस का दिन रात का नेवले और सांप का संबंध है, वही संबंध हमारा और इंग्लिश का है। बाबा आप इंग्लिश को खत्म करने में सहायता कीजिए ना। नहीं कन्हैया नहीं, इंग्लिश को हम ऐसे नहीं मार सकते। देखो अंग्रेजी आज का चढ़ता सूरज है,
इसलिए उससे तो तुमको दोस्ती करनी ही पड़ेगी। और फिर दोस्ती तो तुम बहुत पक्की करते हो, और जैसे लट्टू से, गुलेल से, अपने दोस्त यारों से करते हो दोस्ती, ऐसे ही अंग्रेजी से भी दोस्ती कर लो। क्या समझे? अब चलो बेटा, थोड़ा पढ़ो लिखो, अब घर जाओ। और सुनो, ये चिट्ठी जाते समय डाल देना, भूलना नहीं। हाँ, अब घर जाके भी काम करेंगे। क्यों बाबा? दीदी कॉलेज नहीं जाती, गांव के सभी दीदी लोग कॉलेज नहीं जाती। बाबा आप इसका कोई रास्ता बताइए, ताकि फिर से दीदी लोग कॉलेज जा सके। रास्ता बनेगा, जरूर बनेगा बेटा, लेकिन समय के साथ। तुम परेशान मत हो हाँ? और तुम दिन भर खेलते रहते हो, आजकल हम देख रहे, तुम पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगा रहे। खेल के साथ साथ पढ़ना जरूरी है बेटा। जाओ पढ़ लिखो, जाओ किताब निकालो, स्कूल का पढ़ाई करो। बस दिन भर मस्ती करता रहता है, गेंद लेगा खेलता रहता है दिन भर। बहुत शैतान है, बहुत बदमाश लड़का है, बहुत प्यारा बच्चा है। हमारी बेवकूफी की वजह से ही रमा के साथ ऐसा हुआ है। अगर हम वह ध्यान देते तो रमा के साथ ऐसा नहीं होता। हम उसे बचा नहीं पाए, सब हमारी ही गलती थी। उस दिन जब हम तीनों बात करते हुए वहाँ से आ रहे थे, उस समय किरण हम लोगों को एक किस्सा सुना रही थी। किरण उस दिन का किस्सा बहुत अच्छा था, मुझे आज भी हंसी आती है उस दिन की बात में। रमा कहाँ गई? रमा और रमा अगर हम उस दिन वहाँ रमा के लिए रुक जाते तो आज रमा हमारे बीच होती। रमा की मौत के लिए भगवान हमको बिल्कुल माफ नहीं करेगा। ये सब हम लोगों का ही मिस्टेक है। तुम्हारी नहीं, वो तो किसी और की गलती थी। गलती नहीं, अपराध, जघन्य अपराध उन हराम खोरों का। हाँ हाँ, ये उन दोनों का ही काम है। किन दोनों? तुम ऐसे दावे से कैसे कह सकती हो? हमारे केवटी कॉलेज के मालिक लोहा सिंह का बच्चलन भाई टमरू और उसका वो चमचा, वो दोनों ही वहाँ थे। हम देखे थे झाड़ी के पास उन दोनों की फटफटियाँ। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हें नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। बस अब तुम लोगों को हमारा साथ देना होगा। अब हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उन दरिंदों को सजा नहीं दिला देंगे। अब हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखो कि ट्यूशन लगाने से पढ़ाई अच्छी हो जाती है। नहीं नहीं बाबूजी, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, स्कूल में ही सब अच्छा पढ़ाते हैं, बोम सर और कव्वा सर। अरे लेकिन ट्यूशन की बात कुछ और है, नंबर अच्छे आएंगे। बेटे कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है क्या? कॉलेज जाना हमारे भाग्य में कहाँ है बाबूजी, इसलिए हम आंगनवाड़ी में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। रजनी बेटा, ये नया जुनून कहाँ है? अब कॉलेज नहीं जाएंगे बाबूजी तो पढ़ाई का सदुपयोग तो होना चाहिए ना, इसलिए हम आंगनवाड़ी में निरक्षर महिलाओं को पढ़ाएंगे। बाबूजी, दीदी कॉलेज जाना काहे मन करती हैं? सिर्फ हम ही नहीं, आस पड़ोस के 10 गांव की लड़कियां कॉलेज नहीं जा रही हैं। काहे? ये बात तो बाबूजी ही बताएंगे। काहे बाबूजी, ये नया चक्कर का है? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो हम तुम्हें फतेहपुर भेज देंगे, वो तुम्हारी सुग्गा मौसी के पास।
फिर वहाँ खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, सुबह 5 बजे उठ के। आई बात समझ में? अब चलो जल्दी से नाश्ता करो और जाओ स्कूल। तुम भूतपूर्व सरपंच बादल सरकार की लड़की हो ना? कॉलेज में पढ़ाई लिखाई छोड़ के लिडराई शुरू कर दी हो का? जाओ घर जाओ, पुलिस अपना काम करेगी। हम लड़कियों के साथ इस तरह से क्राइम हो रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं? ऐसा कब तक चलेगा? केस दर्ज कर लीजिए, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। उन लोगों ने रमा के साथ गलत किया था। देखा किसने है? सबूत कहाँ है? माला ने देखा है। क्या क्या देखा है माला ने? हम देखे थे रमा के साथ गलत हरकत करते हुए। गलत हरकत? गलत हरकत मतलब क्या? अरे सुनो जी झामड़। जी साहब। जरा डायरी निकाल कर केस दर्ज करो अज्ञात भूतों के खिलाफ। क्या करें, सरकार ने कोई हथकड़ी ही नहीं बनाई उनके लिए। कोई सबूत हाथ लगेगा तो पकड़ लेंगे उन अज्ञात भूतों को, ठीक है? तुम घर जाओ, तुम्हारे पिताजी से हम बात कर लेंगे। कॉलेज, कॉलेज से गांव, पुलिस स्टेशन समझे? गलत हरकत मतलब शारीरिक शोषण किए थे। तुम भी वहां थी क्या? हैं? इस निराधार आरोप का कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? रमा के पास वहां झाड़ी में हम देखे थे डमरू सिंह का फटफट। एक थप्पड़ खींच के देंगे अभी तुमको हम। थानेदार जी, रमा की मौत में डमरू और लोटन का ही हाथ था। उन दोनों की वजह से ही उसे आत्महत्या करना पड़ा था। ये इस महीने की तीसरी और आपके कार्यकाल की 13वीं घटना है। केस दर्ज कीजिए, नहीं तो माला पर हाथ उठाने के लिए हम दलित एक्ट में आपके खिलाफ सरकार से शिकायत करेंगे। कल विधायक जी भी आने वाले हैं हमारे गाँव में। सर जी। क्या है बे? सर जी गाँव की लड़कियाँ हैं, जागरूक है, हम इन्हें समझा देंगे, आप जाइए। दिमाग खराब करके रख दिया इसने। अरे रजनी, पहले हमसे मिलना चाहिए था ना। गर्दी से अब तो जेल जाने की नौबत भी आ गई है। लेकिन भैया जी हम तो। चुप साले, एक शब्द भी नहीं। जिस साले को मुंह नहीं लगना था वो भी ऐसे तहस में बात कर रहा है। वो ससुरा दरोगा अब तक 5 बार फोन कर चुका है। कितनी बार समझाया तुम लोगों को गवाहों और सबूतों से बचकर कुछ भी करो, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भरा है। अभी भी वक्त है, बदल लो अपने रास्ते। जी कोई तो आ रहा है। इंस्पेक्टर भाई क्या भैया जी? भैया जी कहीं हम लोगों को पकड़ने तो नहीं आ रहा है? तुम दोनों समझते क्या हो बे अपने आप को? कानून व्यवस्था से ऊपर हो गए हो। एक बार अंदर किया ना तो आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा बच्चू। जबरदस्त तनाव में लग रहे हैं,
दारोगा जी। और डमरू सिंह तुम तो प्रतिष्ठित परिवार से हो ना, ये गांव की भोली भाली लड़कियों को क्यों सताते हो? और तुम डमरू सिंह के स्टेपनी, जिस दिन मेरे हाथ लग गया ना तो वो हाथ मारूंगा कि बुद्धि हरी हो जाएगी। और लोटन महतो से भैंसा लोटन महतो बना दूंगा, समझे? अरे अरे दरोगा जी, आप तो खामोखा नाराज हो गए। अरे दरोगा जी, आपके वर्दी पे तो एक ही स्टार है। अरे दरोगा जी, आपको तो पता ही है अगले महीने हमारे डमरू भैया का आईएएस का परीक्षा है। अगर एक बार आईएएस बन गए ना तो इसी जिला के कलेक्टर बनेंगे और आपका ट्रांसफर लालखंड के नक्सली जंगल में कर देंगे, समझे? ट्रांसफर कर देंगे? अरे ट्रांसफर तो हो ही जाएगा, जीत जाओ, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा कानून से खिलवाड़। या तो पुलिस धरेगी तुमको या फिर गांव वाले ले जाएंगे। हमारा काम था वार्निंग देना, वो हमने दे दिया है, चलता हूँ। और हाँ, अगली बार शिकायत आई तो उल्टा टांगूंगा। हमने भेजा है मैसेज शक्तिवर्धक दवाई के लिए आपको। इत्मीनान से पढ़िएगा और एनर्जी बचाइए, वरना हम दिल्ली के हकीम साहब को आपका मोबाइल नंबर दे देंगे। और खुद तो ठीक से खड़ा हुआ जाता नहीं, हमें उल्टा लटकाने चले। पैसे वैसे कमी हो तो बता दीजिए, भिजवा देंगे। अब हुई दिमाग की गर्मी कम? और सुनिए, धमकी देने काम हमारा है, आपका नहीं, समझे? एक दिन तुम लोग बहुत पछताओगे। तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी रजनी। क्या हो गया है तुमको? ये सब क्यों कर रही हो तुम? तुम रमा की सहेली हो ना, फिर ऐसा क्यों? रमा बिचारी तो चली गई, कम से कम उसकी आत्मा को कल्पित तो ना करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा ना करो। काका, हम ये सब कुछ रमा के लिए ही कर रहे हैं। आप हार मान सकते हैं, हम नहीं। अब वो जमाना नहीं रहा जब बड़े लोग हमें सताएंगे और हम सहन कर लेंगे। हम अपनी सखी को इंसाफ दिला के रहेंगे। हमने तुमसे कुछ कहा करने के लिए? रमा की माँ ने तुमसे मदद मांगा? नहीं ना, गांव गांव में लोग चटकारे ले रहे हैं, रमा के विषय में अनाप शनाप बक रहे हैं, और जो तुम काम कर रही हो उससे उसकी आत्मा ऊपर कल्पित हो रही है। आप अन्याय, अत्याचार और अपराध सहन कर सकते हैं, हम नहीं। हम रमा की मौत का बदला जरूर लेंगे। बादल भैया, इसे समझाइए, मेरा बर्दाश्त जवाब दे रहा है। रजनी, रजनी जाने वाले तो चले गए, लेकिन जो यहाँ है और जिंदा है, कम से कम उन्हें तो संभाल ले हम लोग। बाऊजी, हम चुप हो गए तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। रमा के बाद किसी और लड़की का ऐसा हाल हो सकता है, शायद हमारा ही। कहीं तो किसी को शुरुआत करके इसे रोकना पड़ेगा, हम ही करेंगे ये काम। आप लोग चिंता मत करिए। शंभू मना करके गया है और अब हम भी मना कर रहे हैं, बंद करो रमा के लिए अपना ये आंदोलन। और रमा जो हमसे पूछ रही है कि तुम क्या कर रही हो, हफ्ते दो हफ्ते में भूल जाओगी सब कुछ। नहीं बाऊजी, अब हम नहीं रुक सकते, रमा हमको रात को सोने नहीं देती है। शंभू ने मना किया, हमारे बात खत्म, बस अब आगे हमसे कोई बहस नहीं। हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये बहस हो गया? बाऊजी, आप तो शंभू काका जैसे डरपोक नहीं है।
फिर क्यों? बेटी, तुम एक बाप के दर्द को कभी नहीं समझोगी। और आप एक लड़की के हृदय के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर जानते होते तो हमें मना नहीं करते। जिस तरह एक मूर्ख जिद करता है तुम भी। लेकिन जो करने से आप मना कर रहे हैं वो हम नहीं मानेंगे। रजनी! बाबूजी! नहीं बाबूजी, आप दीदी को मत मारिए। अब हमारी माँ यही है। आप गुस्सा मत कीजिए। अब हम समझाएंगे दीदी को, बात करेंगे हम। कन्हैया, क्या बात है? तबीयत सही नहीं है क्या? स्कूल नहीं गए अभी तक? स्कूल का जाएंगे हम। रात भर के जगे हुए हैं हम। बाबा, हमारे कंधे पर बड़ा भारी बोझ है। यहाँ अपनी टीम को, स्कूल में कौवा सर को, पोस्ट ऑफिस में आपकी चिट्ठी को, और अब तो घर में बाबूजी और दीदी को संभालना पड़ता है। अब क्या हुआ घर में? कुछ नहीं, दोनों में जोर की बहस हो गई। बाबा, हम तो दोनों में सुलह करा रहे थे, उसी टेंशन में रात सो नहीं पाए। राम राम बाबा। अरे राम राम डाक बाबू, राम राम। हमारी कोई चिट्ठी उठी आई का? नहीं, आज भी आपकी कोई चिट्ठी नहीं है। नहीं? बाबा, आप हमेशा चिट्ठी लिखते रहते हैं, पोस्ट करवाते हैं हमसे, डाक बाबू को आप पूछते रहते हैं, लेकिन असल बात तो बताते नहीं है। कन्हैया, डाक बाबू हमारे लिए एक चिट्ठी लाने वाले हैं, सरकारी चिट्ठी। चलो आज हम तुम्हें असल बात बता ही देते हैं। कन्हैया, हम बहुत पहले ही मर चुके हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? ये हमारे सामने तो बैठे हैं। फिर से आप हमको चिट्ठी देंगे पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए? बेटा, हम सरकारी कागज पे पहले ही मर चुके हैं। ये जो सरकारी अफसर है ना, इन्होंने हमें मार दिया है। हमारी पेंशन बरसों पहले ही रोक दिया है इन्होंने। और ये जो चिट्ठी हम लिखते हैं ना, यही हमारे जिंदा होने का प्रमाण है ये। और ये सरकारी अफसर, इनके कान पर मेरी चिट्ठी की जू तंग नहीं रखती है। कुछ समझ में नहीं आता कि हम अपने जिंदा होने का प्रमाण आखिर दे तो कैसे दे। आप मरे भी हैं, जिंदा भी हैं। अच्छा, ये सब छोड़िए, अगली बार अगर आप परलोक में रहे तो मेरे बाकी का पैसा तो डूब जाएगा ना। नहीं, बिना सरकारी चिट्ठी पढ़े हम परलोक जाने वाले नहीं है बेटा, नहीं है। लेकिन चिट्ठी में है क्या? अरे कन्हैया, स्कूल तो चलो। हा? बेटा, ऐसा है कि तुम अभी स्कूल जाओ, चिट्ठी में क्या है वो तुम्हें हम बाद में बता देंगे, ठीक है? जाओ। स्कूल से आऊंगा तब पैसे लूंगा। हाँ, ले लेना, 19 रुपए तुम्हारे पहले के भी बाकी हैं, जानता हूँ, याद है, सब दे देंगे। बच्चों, लिखो काठ का घोड़ा। रात को सोई नहीं हो का? बात का है? तुम हमसे बात मत किया करो।
काहे तुमसे बोलने के लिए हमको माल गुजारी देना पड़ेगा। बाबूजी तुम्हारे साथ खेलने के लिए मना किए हैं। इन बड़े लोगों को बिना हम लोगों को तंग करने के अलावा कुछ काम भी रहता है क्या? शंभू काका की ज्यादा उम्र तो नहीं है, फिर भी सटिया गए हैं। अच्छा मत करो हमसे बात, अब आना तुम हमारे साथ खेलने के लिए। का बोला? बहुत भाव खा रहा है। तुम पढ़ो काठ का घोड़ा। प्रमोद हमारे लिए भी सिंगाई तोड़ के लाना। हाँ हाँ कन्हैया। ये देखो तुम्हारा नहीं मिला, अब हम करेंगे। शंभू काका कह रहे थे कि रमा दीदी तो चली गई भगवान के पास, अब बेदरा को खोना नहीं चाहते। कोई ना कोई हमारी टीम को तोड़ने के चक्कर में, उसको हम बॉम्ब सर से पिटवाएंगे। पता करो इन सब के पीछे कौन है। आखिर है कौन इसके पीछे? दुर्गा पूजा के 4 महीने हो गए और सब कुछ जस का तस। हाँ, अरे हम कहते हैं किसके खिलाफ कंप्लेंट करें हम। अरे वो कहते हैं सबूत लाओ, और बच्चिया कहती है कि चोटी कॉलेज नहीं जाएंगे और ना ही बेलूर कॉलेज में जाएंगी। अरे उनको घर में बिठा कर रखना समस्या का समाधान है क्या? इससे अच्छा तो ये है कि हम यहाँ कॉलेज खुलवाने के लिए सरकार को आवेदन दे दें। कन्हैया कन्हैया बेटा, अरे हमारी बच्चों को इतनी दूर सुनसान रास्ते से कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जमीन देने को तैयार हैं। अब एक बार सरकार यहाँ कॉलेज खोल दे बस। लेकिन इसका क्या भरोसा कि इसके बाद उनकी खुराफात बंद हो जाएगी सर? उनका खुराफात किसका? अरे माला कहती है कि डमरू और लोटन की घिनौनी करतूत है ये सब। उनके कॉलेज का बहिष्कार कर दूर कॉलेज जाने की वजह से तिलमिलाए हुए हैं सब। तो हम डमरू और लोटन को कुल्हाड़ी से चीर काहे नहीं देते हैं? अखबार में फोटो छपवाने का इंतजार कर रहे हैं का? अरे यार तुम लोग खाना नहीं खाए हो का? Mom?
बकरी बकरी धक तेरी। और तू बकरी की अंतिम यात्रा में शामिल होगा का? पूरी मिठाई खाने। चुप रह, दुला हमको। अरे कमाल लग रही हो। कहे सताए नींद न आए तेरे बिना हमको रहा न जाए। रुको 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 रुको, ये लो मुझे भी दो। हाँ टटक 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 टटक। ये क्या कवि सम्मेलन है? बुलेट के कलंक कहीं के। और तुम लोग क्या सोचे कि कॉलेज का बहिष्कार करेंगे तो? और डमरू सिंह तो कुछ नहीं करेंगे ना अपने भैया के कॉलेज के लिए। क्यों रे, तुम लोग का दिमाग ही खराब हो गया। गांव के नजदीक क्योटी कॉलेज को छोड़कर इतनी दूर पढ़ने जाने के लिए सोचती हो? बड़ा शौक आया है भैया जी, बलूर कॉलेज को ज्यादा पसंद आता है। तो क्या हमारे कॉलेज की बेंच पर सांप लौटते हैं? ससुरी लड़की सब गांव में कॉलेज खोलने का कीड़ा उठा रखा है। चलो दरखास्त। कह तो दिया। लेकिन ये इच्छा तुम लोगों कभी पूरी नहीं होगी। ओए कन्हैया, अरे रुक जा। तुम लोगों को भैया के कॉलेज में पढ़ने आना ही पड़ेगा। सुन लिया? और इस विद्रोह का दंड भी मिलेगा। रनवा अभी चल बिठा ले इसको गाड़ी पे। तुम लोग मुझे पकड़ो, जल्दी आओ जल्दी आओ, पकड़ के दिखाओ मुझे। ठीक है लड़का, अभी आ, छोड़ दे इसको, बाद में देख। बाय। ओए 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 ओए। हम भी कोई बच्चा तो नहीं है ना? हम में और उन दोनों बदमाशों में सिर्फ लंबाई का ही तो अंतर है ना बस। तुम तो मेरे बहादुर और होशियार भाई हो। अच्छा दीदी, इस बार तुम हमें क्या दोगी? उस दिन? किस दिन? अच्छा तो ये बात है, तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हमको जींस देना। अब हम बड़े हो गए है ना, हाफ पैंट पहनने में हमको शर्म आता है। अच्छा रक्षाबंधन का तारीख याद रहेगा तुमको कि बता दे अभी? अरे आओ भैया आओ, चलो देखो पीतांबर के घर में क्या हो गया। आओ भैया आओ भैया। अरे चलो अंकित जी अभी आ रहे हैं। तो लगता है उम्मीद छोड़ना ही पड़ेगा। माला मरने की कोशिश की है और उसने जब से काले छोड़ा है तब से गुमसुम सी रहती है। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। अरे ये क्या बताएगी, हम बता देते हैं। माला पेट से है, न जाने किससे मुकाला करवाई है। जब मरना था तो पेट से कहीं नहीं लटक गई, कुआं में कूद के मर जाती। चुप हो जाओ तुम सब। मौका मिलते ही सबके सब लांछन लगाने की कोशिश करते हो। हमारी बच्ची माला। कछारी जाना था, दिन खराब हो गया। इस गांव की लड़कियां तो सब अधिया बेताल हैं। पता नहीं माला के साथ क्या हुआ था।
बता तो रहे हैं सर आपको कि ये लोग का किए थे हमारे साथ। हमको जब तक डमरू और लोटन अपनी वासना। सर इसके साथ घोर अत्याचार हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है अविलंब डमरू सिंह को रेस्टिकेट किया जाए। सर हमारी लाश की रक्षा कीजिए। मैं किस किस की कहानी पर विश्वास करूं? और तुम दोनों को एक होनहार विद्यार्थी पर कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आती और बिना सबूत के हवा में बात करती हो? सबूत ये लड़कियां दे रही है ना सर। सर कोई भी लड़की अपना किस्सा झूठ मूठ ऐसे दुनिया को नहीं बोलती है सर। इसके लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। हम सब लोग हिम्मत लेके आए हैं सर। सर ये लड़कियां बताएंगी आपको डमरू सिंह की करतूत के बारे में। सर आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। डमरू सिंह, इस लड़की माला ने तुम पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। सच? सच क्या होता है? ये आवारा पागल बचलन लड़की ये जो कह चुकी है वो सच है या जो अभी हम कहने वाले हैं वो सच है? सबूत यहाँ है सर। हम लाए हंसता बोलता सबूत। ये कौन है? ये इस कॉलेज का स्टूडेंट है। बिल्कुल सर, प्रकाश कामत, बीए सेकंड ईयर, पाताल सिंह केवटी कॉलेज। भैया जी अरे ये क्या कर रहे हो? दोनों का कार हो रहा था सर, उसी का सबूत दिखा रहे डबरू भैया। ये देखिए सर, सबूत का ही बात हो रहा था ना, ये लीजिए। ओह माला, प्रशांत, ये सब क्या है? अब जवाब दो प्रेम कली। सर ये डमरू सरासर झूठ बोल रहा है। सर ये कुछ साल पहले का फोटो है। ये दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं बस। आप चाहे तो हम और लड़कियों से पूछवा सकते हैं डमरू सिंह की हैवानियत के बारे में। चुप। महाविद्यालय की गरिमा तुम सब भूल गए हो। लड़के लड़कियों के बीच में सिर्फ दोस्ती का संबंध हो तो वही उचित होता है। स्त्री पुरुष के बीच में अगर कोई संबंध होता है तो वो सिर्फ अनैतिक होता है। सचिदा बाबू, आप 3 सदस्यों की एक न्यूट्रल कमेटी बनाइए और 1 हफ्ते के अंदर मुझे जांच रिपोर्ट सौंपिए। जब तक कॉलेज कमेटी जांच पूरी नहीं कर लेती तब तक माला और प्रशांत आप दोनों को इस कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाता है। सर हमको बहुत दुख है लेकिन अगर आपका यही जवाब है तो हम लड़कियां भी कॉलेज का बहिष्कार करते हैं। क्यों दोस्तों? हम सब बहिष्कार करते हैं। हेलो चाचा जी, क्या खबर है? अच्छा अच्छा अच्छा, लाख लाख शुक्र है भगवान का। चलो भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ हाँ सभी यही हैं। अभी बोल देता हूँ। क्या हुआ? माला बच गई। लेकिन डॉक्टर सुबह तक उस पर नजर रखेंगे। अनहोनी की आशंका तो थी मगर सुबह तक कुछ कहा नहीं जा सकता, काहे कि यमराज उसी की प्रतीक्षा में है। ऐसे कर्म से तो यमराज से ज्यादा जल्दी तो आपको है मोहन काका। बादल की बेटी कुछ बोलती ज्यादा है। बेटी के साथ साथ बेटा भी बहुत कुछ करता है काका। हाँ, हो गई चिट्ठी। ये लो कन्हैया, गिराना नहीं डाल देना। हाँ
पहले का भी पैसा बाकी है बाबा, दो ना। अरे हाँ, जानते हैं पहले का भी बाकी है, ये लो। अच्छा बाबा, गांव में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, हमको तो सब बच्चा ही समझते हैं, कुछ नहीं बोलते और कुछ बताते भी नहीं है, लेकिन इसका सर तो हमारे चैंपियनशिप में ही पड़ता है ना। अब क्या हो गया? बेतरा साला मुंह फुलाया हुआ है, शंभू काका ने उसको मना किया था हम सब से बात करने के लिए और साथ में खेलने के लिए भी, है ना? देखते हैं कब तक मुंह फुलाए रखता है बेदरा। तुम चारों लोग एक ही थाली में खाना खाते हो ना, रोटी की दोस्ती सबसे मजबूत होती है। अब देखो ऐसा। राम राम काका। अरे राम राम शंभू भैया। बाबा बोल दो ना, वो बेदरा और शंभू काका। हाँ, बेदरा वाली बात। खेत के काम। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे भैया उसको जल्दी कर लो। अरे शंभू। हाँ काका। जरा इधर तो आओ तुम, चलो हम आते हैं। और बताओ शंभू, सब ठीक ठाक चल रहा है? काका का बताएं, कितना मुश्किल होता है सब ठीक करना। वही बात तो हम भी कह रहे हैं, अब समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा ना। और फिर बेदरा बच्चा है, अभी इकलौता बेटा है तुम्हारा, उसे संभालना अब तुम्हारा ही काम है। कोशिश तो यही कर रहा हूँ काका। देखो उसे खेलने कूदने दो, साथ में बच्चों के खेलेगा कूदेगा तो वो सब भूल जाएगा। हाँ उसे रोको मत। और फिर इन बच्चों की बेफिकर दुनिया में हमारे द्वेष दुख दर्द और गुस्से का क्या काम है? तुम लोग खेलो बेटा, मनाही थोड़ी है। काका वो तो गुस्से में मैं कह दिया था। अच्छा काका हम चलते हैं। अच्छा राम राम। खेलो बेटा। अभी तक हमसे गुस्साए होगा? शंभू काका तो मान गए हैं, आपका तुम उनसे बड़े होगा। बाबूजी के मानने से कुछ नहीं होगा, हमें मनाओ तुम। तो कैसे मानोगे तुम? चार प्लेट चाट पूरा हमें खिलाओ तुम। अरे बेदरा मर जाओगे लालच से। बम सर। अच्छा अच्छा हम खिला देंगे, बस कमाई होने दो। किसी भी हालत में नहीं होगा भाई, ये धारूपुर के भूतपूर्व सरपंच हैं। अब तो मामले की गंभीरता को समझिए। भूतपूर्व है ना, अब आप लोग आधिकारिक प्रक्रिया के तहत ही आइए, पहले मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर तब आए। और आप तो सरपंच रह चुके हैं, सब जानते हैं कि भूल गए? देखिए पीर साहब, हमें गाँव में कॉलेज के लिए। सभी को भैया, सभी को अपने गाँव में कॉलेज हॉस्पिटल मोबाइल टावर और एयरपोर्ट चाहिए। अब मंत्री जी कहाँ कहाँ और क्या क्या बांटे? सिर्फ दो मिनट के लिए मिलवा दीजिए। असंभव, वो चुनाव के समय ही जनता से मिलते हैं और दिल खोल के मिलते हैं। आप लोग जाइए और अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दीजिए, ठीक है? मंत्री जी भी काफी व्यस्त हैं अभी। नमस्ते। अच्छा नमस्कार। चलो
मोहन जी, और ये बादल सरकार धारूपुर से। कॉलेज खुल गया? कहाँ, कब? धारूपुर में। धारूपुर में? आपने आवेदन दिया और हमने लिया, प्रक्रिया शुरू, आज नहीं तो कल खुल जाएगा कॉलेज। इसे संभाल कर रिकॉर्ड में रख दो। कहाँ? पिछले साल वाले फाइल में। हाँ, आपको बिना झंझट के एक उपाय बताएं, बच्चियों को क्योटी कॉलेज भेजिए। उन्हें वापस लेने के लिए लोहा सिंह से हम स्वयं बात कर लेंगे। आप तो समझदार लगते हैं, फल खाने के लिए पेड़ से फल तोड़ना आसान है, है? कि मिट्टी से पौधा उगाना। बादल भैया, एक बार लोहा सिंह से। नमस्ते। हाँ लोहा सिंह जी, बोलिए। हाँ, आए थे धारूपुर से कॉलेज का आवेदन पत्र लेकर। अब हमने तो कोशिश की है, आप तो समझ रहे हैं ना कि आजकल के लोग आसानी से कहाँ समझते हैं। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, आपसे मिलकर बात करेंगे। ठीक है घर आ जाइएगा। तुम लोगों के चक्कर में ही कॉलेज का नुकसान हो रहा है, लड़कियां कॉलेज आना भी बंद कर दी हैं। अरे चारों ओर कॉलेज की बदनामी हो रही है, 100 अलग। पुलिस और प्रशासन भी हमारे पीछे पड़ गया है, वो तो हम थाने में उपहार भिजवाते रहते हैं, वरना अब तक हम भी अरेस्ट हो गए होते तुम लोगों के साथ। मोदी सरकार से टकराने वाले पाताल सिंह के घर अब पुलिस आएगी, वो भी हथकड़ी लेकर। चुल्लू भर पानी में डूब मरवा वाला कर तू। भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम सब ठीक कर देंगे। चुप रहो तुम। उस लड़की का क्या नाम था लोटन? माला भैया जी। चार चार बार गए हैं गांव वाले थाने, कॉलेज में ताला लटकने ही वाला है। भैया ये सब हम अपने कॉलेज की लड़कियों को वापस लाने के लिए ही तो कर रहे हैं, ताकि वो दूसरे कॉलेज में जाना बंद कर दें और हमारे कॉलेज में वापस आना फिर से शुरू कर दें। इस समस्या का समाधान हम निकालते हैं, हम कुछ करते हैं भैया। हम जा रहे हैं वीसी के यहाँ, एक मीटिंग है, वहां से लौट के आए तो कोई युक्ति सोचे रहना, वरना तुम दोनों की कर देंगे मुक्ति। भैया जी हम जो भी करने जाते हैं उसका उल्टा होता है हर बार। माने हमारा खोपड़ी उल्टा हो गया है, अब तुम हमको विचार सुझाओगे? चुट्टा कहीं देखिए डब्लू किया, लड़की सौंपने कॉलेज नहीं आता, सासू जी यहाँ तक कि बलूर कॉलेज भी बंद कर दिया आना, और सुनाई अपने गांव में ही वो कॉलेज खुलाने की कोशिश कर रही धारूपुर में, हमारा सारा वार हुआ बेकार, अब हम क्या करेंगे? जल्दी पता करो ई ससुरा प्रशांत कहाँ है। रजनी बेटे। बाबूजी कॉलेज की अर्जी जमा हो गई ना? हो तो गया है, लेकिन मंत्री और अफसरों का रवैया सहयोग का नहीं है। वो तो हमें सलाह दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को लोहा सिंह के कॉलेज में पढ़ने के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई खराब हो रही है और हमारे कॉलेज खुलने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। ऐसा लगता है कि ये अफसर बिना पैसा खाए सहयोग नहीं करेंगे। सबकी मिली भगत है बाबूजी, आप घूस देंगे तो खुल जाएगा कॉलेज, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि 1000 के बाद वो 5000 नहीं मांगेंगे? बाहर का काम मर्दों का होता है, तुम नहीं समझोगी। आप लोगों का काम सिर्फ हम लोगों को घर में बंद रखना है। बाऊजी प्लीज, हम आपको कुछ करने के लिए रोक नहीं रहे हैं, पर हम भी अपने लेवल पे ट्राई करेंगे। अरे क्या होगा तुमसे, क्या कर लोगी तुम? हम इतनी कोशिश कर रहे हैं और कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बाऊजी बबली के मौसा डीएम ऑफिस में पानी पिलाते हैं, चपरासी है वहाँ, वो बात करेंगे उनसे। आप प्रयास कर ही रहे हैं, हम भी थोड़ा जोर लगाते हैं। शिक्षा की इतनी सारी योजनाएं हैं,
जो सरकारी कागजों और फाइलों में बंद है। लोहा सिंह जैसे प्रभावशाली, स्वार्थी, शिक्षा माफिया सरकारी अफसरों की मिलीभगत से योजनाएं दबाए हुए हैं। हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और विपक्षी नेताओं को इन हालात से अवगत कराएंगे। हम गांव में कॉलेज खुलवाने के लिए, अपनी शिक्षा के हक के लिए फिर से आवेदन करेंगे बाबूजी। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। लड़की का पैर दालान के बाहर मारे झंझट, और फिर हम कर रहे हैं ना, धीरज नाम का शब्द सुने हो? लड़की हो घर में चूल्हा चकिया करो बस। जितना रास्ता था सब अपना लिए, मगर नतीजा तो वही है। सरकारी दफ्तर में हमारे कॉलेज की अर्जी अंगद के पांव जैसा जम गया है। अब तो आंदोलन पर उतरना ही पड़ेगा। साम दाम दंड भेद होता है ना, टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? अरे केवटी से लोहा सिंह का कॉलेज उठा के धारूपुर में स्थापित कर दोगे तुम? अरे डमरू को गिरवी रखेंगे तो लोहा सिंह झुकेगा कि नहीं? इलाहाबाद जाके फिर से सिनेमा देखे थे क्या, इसीलिए बाहर आ गए हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अच्छा, क्या कहने का मतलब है बताओ, क्या बताओ? अरे बताओ? देखो तुम लोग इस तरह उलझो मत। रास्ता तो हम सबको मिलजुल कर निकालना ही होगा ना। अब हमें चाहे सरकारी अफसरों का घेराव करना पड़े, और चाहे अपने विधायक के घर पर धरना देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम कुछ करेंगे जरूर। कौन? कहाँ जा रहे हो तुम? आज रंगे हाथ पकड़े गए बच्चू। क्या चुरा के भाग रहे थे तुम? वो कहाँ जा रहे दीदी? मोती के लिए। मोती कौन सा दोस्त है तुम्हारा? कौआ सर को भेंट चढ़ाने के लिए तो कहीं नहीं चुरा रहे हो? मूर्ति मंदिर के बाहर वाला कुत्ता है ना? और तुम आज फिर कॉलेज नहीं जाओगे दीदी? नहीं, अब हम कॉलेज नहीं जाएंगे। और ये कुत्ता कब से अचार खाने लगा? वो भी इतना सारा? झूठ बोलोगे तो बहुत मार मारेंगे। मूर्ति शहरी कुत्ता है ना, उसको अचार बहुत पसंद है। चुपचाप इसे वही रख कर आओ जहाँ से लेकर आए हो। चोर कहीं के, लगता है तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा फतेहपुर की सुग्गा मौसी के पास। देखो वहाँ टेबल पर चिट्ठी रखी है गिराने के लिए, ध्यान से गिरा देना, भूल मत जाना। आओ कन्हैया, आ गए। लो बेटा तुम्हारे लिए। पैसे नहीं है काका। अब कैसे खाओगे बेटा? पूरा घी खत्म हो गया रे, अचार भी पिछले 6 महीने से नहीं मिला, बड़ा तकलीफ हो रहा है। दीदी का बड़ा तेज नजर है, हमारा चाट खाना भी बंद हो गया है। दीदी पानी तक का हिसाब रखती है। तुम तो तेज विद्यार्थी हो कैलाश, हमारे लिए कुछ न कुछ करोगे जरूर। कैलाश नहीं सर, कन्हैया है हम। थोड़ा रुक जाइए, हम कोई जुगाड़ करते हैं। आप हमारे लिए हर साल इतना कुछ करते हैं, तो हम आपके लिए एक छोटा सा काम नहीं करेंगे? अच्छा ये बताओ, कुटिया के पास वाला जो सब्जी का खेत है,
किसका है? बहुत सारा सब्जी तरकारी है उसमें। अरे वो तो अपने बेदर का खेत है, उसी की रखवाली में रत जगह हो जाता है उसका। सर वो रहा बेदरा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेदरा, तुम मुझसे टिफिन में आके मिलना। बेदरा अब तुम कौवा सर से अपने नंबर बढ़वाओ, आज दिन ठीक नहीं है हमारा, पहलरा ही जाना है, दीदी की चिट्ठी भी गिराना है। हमारे मौसा जी पता किए थे डीएम ऑफिस में, अभी तक कोई आदेश नहीं आया राजधानी से। और रजनी पिछले साल दुर्गा पूजा से अब 15 अगस्त भी आने वाला है, अभी तक कुछ नहीं हुआ सिवाय हमारे साथ कुछ न कुछ अनहोनी होने के। लगता है हमें गांव छोड़ना ही पड़ेगा। रजनी अगर हम कॉलेज ना पढ़े तो हमारी अम्मा शादी कर देगी हमारी। तुम लोग हिम्मत रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मौसा जी से आशा थी वो भी टूट गई लगता है। हम बात करते हैं मौसा से, तुम लोग बस हमारे साथ रहो, कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। आदमी जब थक के हार जाता है तो भगवान रास्ता निकालते हैं। बाबू और कहाँ जा रहे हो? हम वैद्य जी के बेटे हैं कैलाश, बाबू जी के लिए दर्द मिटाने वाला पौधा लेकर जा रहे हैं। हाँ दर्द मिटाने वाला, क्या इसको घोल के पीस के पी जाते हैं? नहीं भैया जी, इन पौधों को चोट के हिस्से पर जोर जोर से रगड़ने पर तुरंत आराम मिलता है। आपको चाहिए तो ले लीजिए, हम दूसरा तोड़ लेंगे, नहीं तो पुलिस को। अरे बार बार पुलिस को क्यों डाल देता है तू? तेरे बात तो पैद है ना, पुलिस की बात ठीक होता है ना, इसीलिए वो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। पता दे भाग यहाँ से। भैया जी आप भी दीजिए, आपको भी लगा दे, कहाँ कहाँ लगा है दीजिए। भैया जी, भैया जी और कहाँ, इधर भी। कुछ नहीं हो रहा भैया जी। अरे बाप रे बाप, आई रे माई रे, तुम्हारे कारण इतना खुलकर हंस पाए हम, वरना जीवन तो इतना नीरस होके रह गया था। अच्छा एक काम करो, जाते समय ये
चिट्ठी डाल देना वहाँ पर, हा? भूलना नहीं। और पैसा? पैसा? पहले का भी बाकी है 19 रुपया। हाँ हाँ मिल जाएगा, ये लो। सब मिल जाएगा। पर बाबा एक बात बोली। हाँ बोलो। दीदी दिन रात कॉलेज खोलने के लिए चिट्ठी लिखती रहती है और बाबूजी भी दौड़ भाग में लगे रहते हैं, मगर कॉलेज खुल कहाँ रहा है? राम राम बाबा। राम राम डाक बाबा। कॉलेज खोलने के लिए कोई चिट्ठी आया है का? नहीं कन्हैया, कोई चिट्ठी नहीं आया। बाबा। हाँ। लगता है यहाँ कोई कॉलेज नहीं खुल पाएगा कभी। नहीं बेटा, खुले, वो जरूर खुलेगा। तुम और हम मिलकर यहाँ कॉलेज खुलवाएंगे। क्या सच में बाबा? हाँ बेटा, तुम और हम मिलकर यहाँ पर कॉलेज जरूर खुलवाएंगे। तुम जब तक ये गांधी जी की आत्मकथा पढ़ो, ये लो। आवेदन दे दे के थक गए। का हुआ, कौन सुनता है? सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती, कान में रुई डाल के सो गई है सरकार। हम लोगों ने जमीन भी निकाल के रखी कॉलेज के लिए, पैसे भी जमा कर लिए। का हुआ, कुछ हुआ? हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं कॉलेज खोलने के लिए, मगर असल में जिन्हें काम करना है वो तो दफ्तरों में बैठ कर कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं। रास्ता तो निकालना होगा, अफसर सिर्फ मलाई खाने के चक्कर में हैं। वो विधायक, उनसे कहा तो वो बोलते हैं कि राजधानी में जाके तय होगा, अपने हाथ खड़े कर दिए। पिछले 3 चुनाव से तो देख ही रहे हम, क्या हो रहा है? हाँ एक उपाय है, हम सब लोग मिलके और ज्यादा पैसा इकट्ठा करें तो यहाँ धारूपुर में कॉलेज खोल सकते हैं। क्या कहते हो भाइयों? अफसर तो कहते हैं कि कॉलेज का सारा पैसा मुझे दे दो तो काम जल्दी हो जाएगा। बादल भैया, डीएम साहब से कुछ नहीं होगा का? बादल भैया, शिक्षा मंत्री से एक बार और। पैसे के नाम पर तुम तीनों चुप भी लगा देते हो, बस बड़बड़ करवा लो। अब ऊपर से भगवान विश्वकर्मा नहीं आएंगे यहाँ धारूपुर में कॉलेज बनवाने। नमस्ते। क्या हुआ भैया जी? कुछ नहीं। इतने बड़े लड़का देखे हो? इतने बड़े लड़के को नहीं भैया, वाई जी का लड़का है। नहीं नहीं हमने नहीं देखा। नहीं भैया नहीं मालूम कहाँ गया होगा, बस एक बार हाथ में आ जाए वहाँ पूछ लेंगे। अच्छा जी प्रणाम प्रणाम। जी का घर कहाँ है? वो लड़का है ना कैलाश? अरे वही जो खुजली का पेड़ लगा घूमता रहता है, जिस दिन मिल गया ना उसी दिन उसका जान ले लेंगे। हाँ जो हमारे जितना। हाँ हाँ कहाँ है, स्कूल आया है आज? आज इसका बैदगिरी बताते हैं। एक बीता का है साला और पूरे देह में इसके हराम खोरी भरा हुआ है। भैया जी हम तो कहते हैं ऐसे नहीं, इसको ना बुलेट में बांध के घसीटते हैं, तब इसको पता चलेगा कि हम क्या हैं। कौन है तेरा बाप, सच सच बोलना। हमारे बाबूजी बादल सरकार है, हम वैजी के बेटे नहीं है। सो तो हम समझ गए, इसको घर में मारेंगे, बाकी की सजा गाँव में। अरे भैया 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 जी क्या कर रहे हैं आप?
बच्चा है, मर गया तो बाल अपने तो पाप लगेगा आप पर। जी रजनी का भाई है। मौसा जी, मैं वही कह रही हूँ, आप एक बार फिर से डीएम से बात करिए, उनके पास इसका जरूर कोई ना कोई सलूशन होगा, क्योंकि क्षेत्र का हर काम उनके टेबल से होकर जाता है, चाहे वो मंत्री का हो या संतरी का। मौसा जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया है तो बस अभी फोन रखती हूँ। जिंदगी भर ही भूलेंगे दीदी, और देखो ना ये दोनों मुझे कितनी इज्जत से यहाँ पर छोड़ के गए। अरे वाह, आज तो मेरा मुन्ना बेटा हीरो बन गया। अच्छा ये बताओ कि तुम ये कीचड़ की होली कहाँ से खेल कर आ रहे हो? वो फिसल गया था ना। शैतान कहीं के, चलो कपड़े बदलो। साहब, इतने बरसों में कभी कुछ नहीं मांगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आप मान जाते तो। दौरा तो होते ही रहता है, एक बार मंत्री जी का कार्यक्रम हो जाता तो। साहब धारूपुर का बात कर रहे हैं, इस बार 15 अगस्त को। धन्यवाद। देखिए, माला ने जो भी गलती की है, मेरा कहने का मतलब है उसके साथ जो भी बुरा हुआ है, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि उसके साथ साथ आप सबकी बदनामी भी हो रही है। अरे हम उसके सहपाठी हैं, शुभचिंतक हैं, इसलिए तो हम आप सबका भला चाहते हैं। हाँ, हमसे जो भी बनेगा हम हमेशा करते रहेंगे। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे, आप हमारी डूबती नैया के तारणहार हैं, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। माँ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, आज मैं उस चंदू का नहीं छोड़ूंगी। हमारी मजबूरी तो माँ, हमारी मजबूरी समझो, मजबूरी माँ, और क्या इसमें एहसान कैसा? एक लड़की का बाप होना कितना कठिन है, वो भी सुंदर और जवान। मेरा कहने का मतलब है कि शादी लायक जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें आस पड़ोस की आंखें। करवाने लगती हैं। अरे हम है ना आपके साथ, बाकी हम सब ठीक कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, फिर आएंगे हम। प्रणाम। पीताम्बर देखा उस सरपंच को, ये सब क्या है? कलयुग नहीं है ये,
चमत्कार अभी भी होते हैं यहाँ। बादल भैया टमरू बाबू के रूप में स्वयं देवता हमारी कुटिया में आए थे। सत्य है, घर का भेदी लंका ढाए। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पीताम्बर हमें। हम कुछ समझे नहीं। धारूपुर गांव का विभीषण तुम निकले, विश्वास नहीं होता। अरे अगर पैसा चाहिए था तो हमसे बोला होता। इस गांव को बेचने का क्या जरूरत था। बादल भैया आप जो समझ रहे हैं वो बात नहीं है। तो फिर ठीक है, जाओ उठाओ पैसे और दे मारो उसके मुंह पे, जाओ। नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। सब ठीक तो है ना बाऊजी? हमें तो ये लग रहा है कि अब हमारा लक्ष्य और भी दूर होता जा रहा है। ये डमरू सिंह एक नंबर का शातिर है, इस गांव की एकता भंग करने पर तुल गया है। क्या बात है बाऊजी, आपका ध्यान डमरू पे कैसे? अब बाकी बचा ही क्या है। वो पीताम्बर बिक गया है नोटों की एक गड्डी पे। उसके श्री मुख से डमरू चालीसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमें तो ये लग रहा है कि ये सब उस लोहा सिंह का चाल है। मैं माला से बात करती हूँ बाऊजी, पता करती हूँ कि असल बात क्या है। अरे आ गई बेटा, चलो अच्छा हुआ, अब संभालो अपनी माला को। अरे माला, शादी की खुशी में तुम एकदम लालम लाल हो गई हो। खुश होने की क्या बात है, शादी तो सबका होता है, हमारा भी होगा। लेकिन माला, एकदम से शादी का फैसला तो का करे रजनी, किस्मत ने जो हमारे साथ किया है। कॉलेज गांव और माँ बाप की आंखों में उठे सवालों का जवाब नहीं हमारे पास। हमारे पास दो ही रास्ते थे, अर्थी या डोली। पहले रास्ते पे तो नाकाम रही, अब माँ बाबूजी के दूसरे रास्ते को अपनाना पड़ा। सोचो ससुराल में तुम रानी बनकर रहोगी और प्रशांत तुम्हारी इशारों पर नाचेगा और सभी देवे तुम्हें कितना हंसाएंगे। लेकिन रजनी, कॉलेज छूट जाएगा, किस्मत ने जो हमारे साथ किया। ससुराल से आके कर लेना, इसी बहाने धारूपुर आती जाती रहोगी, हम सबको याद रखोगी। याद तो हम रखेंगे जरूर, मगर उस कमीने टमरू सिंह को जाने दो माला। इस हंसी खुशी के मौके पर टमरू सिंह को सबक सिखाया जाएगा, हम अभी हैं ना। फाइल आ गई भैया जी। खुश रहो प्रशांत, इस लिफाफे में 10,000 रुपए हैं। फतेहपुर में किराए पर रहना जी भैया, और भैया से कह के तुमको राइस मिल में लगवा देंगे जी। और सुनो, माला का 7वां महीना चल रहा है, उसे खूब फल और मेवे खिलाना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी, नहीं तो कोई शिकायत आया तो समझ लेना। नहीं नहीं भैया जी, मैं माला का मैं पूरा पूरा ख्याल रखूंगा, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा भैया जी चलें, जाओ खुश रहो। ये कौन है भैया? अरे लोहा सिंह के छोटे भाई हैं, बहुत धन दौलत है, बड़े दयालु प्रकृति के हैं, लोगों का बड़ा ध्यान रखते हैं। ये गरीब पीताम्बर की मदद करके डमरू सिंह तो पुण्य ले लिया। माला के बाबूजी के बाद से सारा भागदौड़, शादी का पूरा खर्च कौन करता है इतना? तुम बोलते तो ठीक हो, डमरू जी के लिए हम लोग पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। डमरू जी तो बहुत ही अच्छे आदमी, तारीफ के लायक हैं। डमरू बाबू, आप हमारी इज्जत बचाए, हम आपके गुलाम हो गए। ईश्वर सदैव आपको ऐसे बढ़िया काम करने की शक्ति दे। अपना ध्यान रखना माला,
हम लोगों को फूल मचाना। हम तो हमेशा से अच्छा काम करना चाहते थे, पर हमें कोई समझा ही नहीं। राम राम बाबा। राम राम डाक बाबू। चिट्ठी बिट्टी आई कहाँ हमारी? नहीं बाबा, आज भी आपकी कोई चिट्ठी नहीं आई। कन्हैया बेटा पूछो, तुम सोच क्या रहे हो? पूछो। हाँ? आप कैसे समझे? बेटा बूढ़े होने के पहले हम भी तुम्हारे जैसे ही थे। बोलो बोलो क्या पूछना चाहते हो? बोलो बाबा, लोभ लालच का अंत कहाँ होता है? मरने पे। संत कबीर कह गए हैं बेटा कि मक्खी बैठी गुड़ पे, पंख लियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला है। बाबा हम तंग आ गए हैं, चैंपियनशिप पे ध्यान नहीं दे पाते, घर में ज्यादा सामान चोरी करने से दीदी मारती, और कम सामान चोरी करने से कौवा सर। बार बार अपने घर के लिए अनाज तेल घी चीनी मांगते रहते हैं। कौवा सर का लालच मिटाने के लिए हम क्या करें बाबा? बेटा पहले ये बताओ कि तुम में और कौवा सर में मक्खी कौन है और गुड़ कौन है? गुड़ तो हम है, कौवा सर मक्खी। गलत जवाब पहली बार। गुड़ गुड़ मन का असंतोष है, मक्खी तुम और कौवा सर दोनों हो। जब तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर लाओगे ही, और जब तुम अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें कौवा सर को उपहार देने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ो, यही जीवन का असली सार है। क्या लोभ और क्या लालच। और कल डमरू ने जो इतना अच्छा काम किया उसको आप क्या बोलेंगे? डमरू? बेटा डमरू तो वैसे ही दोनों तरफ से बजता है, वो न तो गुड़ है न मक्खी। ऐसे लोग हड्डा होते हैं हड्डा। हाँ, अगर एक बार किसी को काट ले तो दोबारा पानी नहीं मांगता वो, क्या समझे? अब जाओ, जाके खेलो। और सुनो, जाते समय ये चिट्ठी डाल देना याद से। ठीक है बाबा। हाँ जाओ। और सुनो, ठीक से डालना, गिराना नहीं। ठीक है बाबा। तो रास्ते में क्या उसका घर पड़ता है ना, पता है क्या देखा मैंने कि छत पे खड़ा होके कपड़ा फैला रही। बात का है, हमें पहचानते हो ना? सड़क पर ऐसे रोकने का मतलब सुरक्षा, सुरक्षा चक्र डमरू भैया का। चिड़ियाघर से जो बाढ़ में जानवर बहकर आए थे ना, तुम उसी में हो ना? ये इसमें हमारा दिल है, तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू। ऐसी वैसी कोई भी बात हो तुम हमें फोन कर सकते हो, आखिर हम तुम्हारे कॉलेज के सहपाठी हैं। इमरजेंसी में तुम हमें फास्ट डायल कर सकती हो, इसमें हमने अपना नंबर सेट कर दिया है, ये लो। कापते बीजिए भैया जी, कुछ कह रहे हैं ना आप?
बदमाश बंदर लंपट, जान ले लेंगे हम तुम्हारा। और तुम का समझे थे माला और प्रशांत का शादी करवा के बड़े गुणवान बन गए हो तुम। तुम्हारे रोम रोम में गुंडागर्दी भरा हुआ है। डमरू, अभी तक थारूपुर को तुम सारे उपहार दिए हो, अब हम तुमको परसों तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा उपहार देंगे। भैया जी, लड़की के मन को जब बेचारे ब्रह्मा नहीं समझ सके तो हम अज्ञाने मन उसके खाद समझेंगे। और इस ससुरी रजनी ना इस चुप। अब से भाभी बोल लोटन भाभी। चल बैठ। ये सब क्या है रजनी, तुम सब कहाँ जा रही हो? हम सब तुम्हारे पास ही आए हैं डमरू। आज कुआ खुद ही चल के तुम्हारे पास आया है जी। वो क्या है ना कि किसी जरूरी काम से ना ड्यूटी जाना है तो। भैया जी हा? चले। हम कुछ खास काम से आए हैं डमरू। हाँ हाँ बोलो, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है रजनी। एनीथिंग फॉर यू, फॉर यू रजनी। जान नहीं, हम कुछ मांगने आए हैं। हम कुछ समझे नहीं। अगर आज हम कुछ मांगेंगे तो हमारी बात मानोगे ना? इका कह रही है, एक बार कहो तो समय पर बारात लेके आएंगे कसम से। सौगंध खाओ कि 7 जन्म तक हमारी और इन सब की रक्षा करोगे। हम डमरू सिंह यानी लोहा सिंह के छोटे भाई और लोटनवा सौगंध खाते हैं कि तुम्हारी और बाकी सारी कन्याओं की रक्षा करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन लगाई। ये क्या कर रही हो? छोड़ो, ये क्या कर रही हो? कितना बांध देंगे? ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिना मंत्री विधायक के चुटियाए काम नहीं होगा। घूसखोर मुर्गी चोर, घूसखोर मुर्गी चोर, घूसखोर मुर्गी चोर। अरे शांत हो जाओ भाइयों, शांत हो जाओ। चिल्लाने से गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हम राजधानी जाएंगे और बात करेंगे मंत्री से, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो हम पर। बादल भैया, बहुत हो गए आपके झूठे वादे। हमें कॉलेज चाहिए तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही। सुनो, अगले महीने 15 अगस्त है, तब तक सरकार ने अगर कॉलेज खोलने की घोषणा नहीं की तो हम फूंक देंगे उस दफ्तर को जिसके चक्कर लगाते लगाते हमारे पैर घिस गए। क्यों भाइयों? फूंक देंगे, फूंक देंगे। लगता है वक्त आ गया है बापू के आदर्शों पे चले। मुर्गी चोर। क्या तुम तैयार हो?
हाँ बाबा, हम बिल्कुल तैयार हैं। रामफल बाबा की सोच हमें इस गांव में कॉलेज जरूर दिलवाएगी। हम उनके साथ हैं, पूरा गांव उनके साथ है। और थोड़ा नीचे नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार भाइयों। इसको पीछे ले जाओ। धन्यवाद। तुम मर तो नहीं ना जाओगे कन्हैया? हमको तुम्हारा 7 रुपया भी लौटाना है। साले हमारे मरने पर भोज खाओगे? हम पहलवान हैं, मरेंगे नहीं। अनशन का विचार रामफल बाबा ने दिया है। बड़े संत महात्मा के पदचिन्हों पर चलने से कन्हैया, अभी एकादशी चल रही है का? बेदरा, आप तो सुधरो। जरूरी बात करने के बीच में ये एकादशी के बारे में क्यों? एकादशी वाले दिन माँ खाना नहीं खाती है, इसलिए। कन्हैया, अम्मा की याद आ रही है का? अभी हमको ना सिर्फ चाट वाले का मसाला चाट याद आया है। बिना कुछ खाए 3 दिन हो गए। मरने से पहले एक बार मसाला चाट खाएंगे जरूर। और रामफल बाबा तो पानी भी नहीं पी रहे हैं। आसपास के गांव वाले तुम्हें युवा नेता मान रहे हैं। टीवी पे तुमको और बाबा को बार बार दिखा रहे हैं। पत्रकार लोग कहते हैं कि बड़े होके लिडराई करोगे का? दर्द तेरी की। ये सब हम अपनी दीदी के लिए कर रहे हैं। यहाँ उनका कॉलेज खुले, वो कॉलेज में पढ़ने जाए और हमारा पेन छूटे और हम दिन भर स्कूल जाने के बदले पूरे गांव में घूम घूम के मस्ती करें। दीदी सांप की तरह दिन भर घर में अनाज तेल घी चूड़े पर कुंडली मार के बैठी रहती है। ये अनशन सिर्फ हम अपनी दीदी के लिए कर रहे हैं। सच में? तो तुम क्या समझते हो? राजा अगर गायब होता है तो दरबार उजड़ जाता है। अरे भाई, एक आदमी मैदान पर जाओ। अब हम थोड़ी देर सोएंगे। मुंह और पेट दोनों दुख रहा है। लगता है कि सब कुछ रामफल मंडल के नाम सरकारी चिट्ठी आया है। आ गया चिट्ठी बाबा का। चिट्ठी? डाक बाबू इधर दे दीजिए, हम जोर से पढ़ देते हैं। नहीं नहीं, चिट्ठी तुम धीमी आवाज में पढ़ना। हाँ, वो क्या है कि बहुत ही मुश्किल से रामफल बाबा सोए हैं, समझ रही हो ना? सेवा में सरकारी जांच में सिद्ध हुआ है कि आप रामफल मंडल बाप का नाम केवट मंडल जीवित हैं। आपके लंबित पेंशन की बकाया राशि आपको एक ही किस्त में भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बाबा, आप दीजिए हमारा बकाया 19 रुपया। आपका हो गया काम। उठिए बाबा, 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 हमको पैसे देते समय आपको ज्यादा नहीं आता है? लाइए, दीजिए हमको। हो गया आपका काम बाबा। सरपंच जी देखिए ना बाबा। अरे देखिए ना जाइए बाबा। बाबा, बाबा, बाबूजी क्या हो गया बाबा को? कन्हैया बेटा, रामफल बाबा नहीं रहे। अब वो तुमसे कभी बात नहीं कर पाएंगे।
अब वो तुमसे कभी बात नहीं कर पाएंगे बेटा। बाबा आज तो हमारी चैंपियनशिप भी नहीं है। बाबा बाबा बोलिए ना। देखो भाइयों, मामले को इस तरह लटकाए रखना तो कोई समाधान नहीं है ना। ऐसा करके हम रामफल बाबा की आत्मा को कष्ट नहीं दे रहे, बोलो। हा? शव को ऐसे नहीं रखना चाहिए, अब तो मिट्टी है। हाँ। अरे नहीं मास्टर साहब, जब तक धारूपुर कॉलेज की घोषणा नहीं होगी तब तक रामफल काका का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। अरे बात सुनिए हमारी, अरे रामफल काका के मृत शरीर का इस तरह से अनादर करके आप क्या साबित करना चाहते हैं बताइए। यही, जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक काका यहाँ से नहीं उठेगा। परसों 15 अगस्त है, देखते हैं सरकार क्या करती है। और सुनिए, जान दे देंगे लेकिन जब तक सरकार कॉलेज की घोषणा नहीं करेगी तब तक रामफल काका का अंतिम संस्कार नहीं होगा। रामफल काका जिंदाबाद, रामफल काका जिंदाबाद, धारूपुर की यही पुकार। रामफल कैसा हो सकता है? रामफल काका जिंदाबाद, रामफल काका जिंदाबाद, रामफल काका जिंदाबाद। धारूपुर कॉलेज के लिए अपनी जान देने वाले रामफल मंडल की मौत बेकार जाएगी। क्या आप धारूपुर कॉलेज खोलने की घोषणा करने वाले हैं? विपक्षी दल कह रहे हैं कि आप पर लोहा सिंह का जबरदस्त दबाव है। ये सरकार आमरण अनशन पर बैठे धारूपुर के बच्चों के मरने का इंतजार कर रही थी। मंत्री महोदय, क्या आज स्वर्गीय रामफल मंडल को उनके अंतिम संस्कार का सम्मान नहीं मिलेगा? देखिए अभी मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। एक सवाल, चलिए सर आप जवाब दे लीजिए। चलिए 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 सर, एक क्वेश्चन, एक सवाल। तुम 30 साल में ही सठिया गए हो, हम लोग तो बहादुरपुर गांव जा रहे हैं, ये तो धारूपुर स्कूल है। कॉलेज खुलवाने के लिए हजारों चिट्ठियां और अर्जियां देने वाला गांव है, तुम हमको फंसा दियो। मेरी कोई गलती नहीं श्रीमान, डीएम ने ही रूट बदलवा दिया है। सीएम ऑफिस से भी गत मंगलवार को फोन आया था, धारूपुर में कुछ करने के लिए मीडिया वालों ने काफी प्रेशर किया है। चुनाव आने तक अपनी नौकरी कहीं दूसरी जगह ढूंढ लो, तुम्हारी वजह से ही हम हारेंगे। और हाँ सुनो, राजधानी पहुंचने तक मुझे याद दिलाना, इस डीएम का तबादला लालखंड के नक्सली जिले में करवाता हूं। जी, अरे मंत्री जी नमस्कार। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब तरक्की कीजिए आप लोग। विजिटिंग रजिस्टर है, हमको साइन दीजिए, आप साइड हो जाइए। सर जी ये लीजिए, आइए आइए। देखिए हम आ ही गए आपके दारूपुर गांव में। नमस्ते मंत्री जी। नमस्कार नमस्कार, आइए 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 मिनिस्टर साहब आइए। हाँ यही है, जब तक सूरज चांद रहेगा रामफल तेरा नाम रहेगा। रामफल तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। रामफल तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा रामफल तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा रामफल तेरा नाम रहेगा। रामफल तेरा नाम रहेगा। इधर ए यहाँ धारूपुर स्कूल में इतनी महान हस्ती के आने से हम सब बहुत गौरवान्वित हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो चीज सुनना चाहते हैं वो बाद में
सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे वो जो धारूपुर के शहीद श्री रामफल मंडल जी कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। उन्होंने एक पत्र राज्य सरकार के नाम लिखा था और उसी पत्र को पढ़ने के लिए मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा इस स्कूल के सबसे होनहार छात्र कन्हैया सरकार को। कन्हैया सरकार यहाँ यहाँ बेटा। हम पढ़ने जा रहे हैं रामपाल बाबा की चिट्ठी। मैं रामफल मंडल सरकारी कागजों में मुर्दा हूँ लेकिन मैं पत्र लिखते समय अपने पूरे होश हवास में हूँ। सरकार जब मुझे जिंदा मान लेगी और परसों से लंबित मेरे पेंशन का मुझे भुगतान करेगी तो मेरी अंतिम इच्छा इतनी ही है कि मैं पेंशन की समस्त राशि को धारपुर कॉलेज के निर्माण के लिए दान देना चाहता हूँ। धारपुर कॉलेज के तैयार होते समय ईंट सीमेंट और बालू में मेरे शरीर का पंच तत्व भी मिला होगा। इस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ेंगे खेलेंगे और मुस्कुराएंगे उनकी मुस्कान में मैं जिंदा रहूंगा शे अगले जन्म में। जनता हर जगह उम्मीद करती है कि मंत्री उनको बहुत कुछ देकर जाए मगर मैं तो यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ। वो है अनमोल चीज आप सबका प्यार सम्मान और आप सबका जीवन स्वभाव और उससे भी जरूरी बात एक सबक जो मुझे यहाँ आकर मिला। अगर मैं आज इस गांव में ना आता तो ये सबक मुझसे छूट जाता और अगर मुझे भी आप जैसा साथी मिला होता आप जैसे शिक्षक मिले होते ये स्कूल मिला होता तो मैं आज अंगूठा छापना होता। मैं भी पेन से लिखता मोबाइल पर एसएमएस पढ़ता। साथियों आज तक मुझ में सच बोलने की हिम्मत नहीं थी लेकिन कहीं कुछ हुआ और ये सब कुछ हुआ स्वर्गीय रामफल मंडल के सर्वोपरि त्याग और इस नन्हे जादूगर की वजह से आप सबकी मेहनत और इस बालक की एकाग्रता इस शहीद का अनावश्यक अंग और सामूहिक नारी शक्ति ने ये काम कर दिखाया। साथियों राज्य सरकार की ओर से मुझे ये ऐलान करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि दारूपुर में राज्य सरकार एक कॉलेज खोलने जा रही है। तालियां तालियां। आप सब लोग खूब बढ़िए आगे बढ़िए मगर कोई भी बच्चा मेरी तरह अंगूठा छाप ना रहे। बस यही शुभकामना मैं आप सबके लिए करता हूँ। अब बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाँ, उठो बेटा। तालियां तालियां। कन्हैया सरकार कन्हैया सरकार कन्हैया सरकार कन्हैया सरकार कन्हैया सरकार कन्हैया सरकार कन्हैया सरकार
कन्हैया सरकार। चकक चक तुम मकई के लावा वा मत आवा डा मत जावा फिर यहाँ पाके इंगली वहा करो दा जाता के धारपुर के पाके धारपुर के पाके चकरघिन्नी चकक चक तुम मकई के लावा वा मत आवा डा मत जावा फिर यहाँ पाके इंगली वहा करो दा जाता।